तो हम आ चुके हैं भुज स्थित आदि योगी स्टेच्यू पे, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अभी हम जस्ट नाइट शिफ्ट करके आए हैं, लेकिन आज सोमवार है तो दो जगह पे जाना है। एक तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं और दूसरा आपने थंबनेल देखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। हम आए हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए हमारे नज़दीकी मंदिर में। दर्शन करके वापस रूम पे आ चुके हैं और यहाँ से फ्रेश होके निकलेंगे भुज के लिए, जहाँ पे हम देखेंगे न्यूली इंस्टॉल आदि योगी स्टेच्यू को और जानेंगे उनके बारे में थोड़ा बहुत। तो हम तो रेडी हो गए थे जाने के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है। जो हमारा माइक था वो माइक टूट गया है, मतलब अभी चल नहीं रहा है। तो अभी बाजार जा रहे हैं दूसरा माइक लेने के लिए और फिर वहाँ से जाएंगे भुज। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, आपको मज़ा आएगा। तो भाई माइक मिल गया है, दो तीन जगह पे चेक करने के बाद एक जगह पे मिला है और ये रहा वो माइक। जितना प्राइस एक्सपेक्ट किया था उससे कम प्राइस में मिल गया। तो चलिए अब यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं बस स्टैंड के लिए। और ये हम पहुँच चुके हैं भुज। हालांकि यहाँ पे अभी धूप बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा टाइम यहाँ मॉल में स्पेंड करेंगे और जैसे ही धूप थोड़ी हल्की होगी हम निकल जाएंगे यहाँ से अपनी मंजिल की ओर। और यहाँ खड़े खड़े हम पहुँच गए अपने घर। और अभी ये मैप में देखे तो हम हैं ये गल्फ ऑफ कच्छ के ऊपर, जो भुज एयरपोर्ट दिख रहा है उसके नज़दीक। और ऑलमोस्ट दो घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद अभी हम निकल गए हैं मॉल से, अपना जो मंदिर जाना है आदि योगी स्टेचू देखने के लिए, वहाँ के लिए हम निकल गए हैं और थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। कुछ यहाँ से मॉल से कितना 2 किलोमीटर जितना दूर है। ये हम पहुँच चुके हैं आदि योगी स्टेचू पे। ये रहा आदिनाथ मंदिर और वो रही आदि योगी की मूर्ति। तो पहले मंदिर में चलते हैं और फिर दर्शन करके ऊपर जाएंगे और आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं और जानेंगे थोड़ी बहुत आदि योगी के हिस्ट्री के बारे में। हालांकि अभी यहाँ पे सिक्योरिटी वाले अंकल के सिवा कोई नहीं है, ज़्यादातर यहाँ पे 5 या 6 बजे के आसपास पब्लिक ज़्यादा आती है। तो हम आ चुके हैं भुज स्थित आदि योगी स्टेच्यू पे, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे पहले मंदिर आता है, वहाँ पे आप दर्शन करके फिर यहाँ से रेलिंग थ्रू ऊपर आते हैं और उसके बाद यहाँ पे पूरा ये सेटअप है बैठने के लिए और फ़ोटो वोटो शूट करने के लिए। ये देखिए, ये इतना बड़ा यहाँ पर बनाया गया है। और बाकी सिटी बहुत दूर पड़ जाता है यहाँ से, 5 किलोमीटर जितना दूर है। क्या आपको पता है आदि योगी का जो नाम है वो क्यों पड़ा है या इसका अर्थ क्या होता है? चलो मैं बता देता हूँ। आदि योगी का जो संस्कृत में अर्थ होता है आदि यानी प्रथम और योगी यानी जो योग गुरु कहलाते हैं, तो इस तरीके से आदि योगी नाम पड़ा है। तो यहाँ पे आने के लिए आप भुज बस स्टैंड से आ सकते हैं या और कहीं जगह से भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर बाहर से आ रहे हैं और अगर बस के थ्रू आ रहे हैं तो भुज बस स्टैंड से ही, वहाँ से कुछ 5 किलोमीटर जितना डिस्टेंस है यहाँ का। और अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है तो आप प्राइवेट व्हीकल से भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन हालाँकि थोड़ा बहुत किराया ज़्यादा है क्योंकि रिमोट लोकेशन है, सिटी से बहुत दूर है, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहती है आम दिनों में, इसके लिए किराया ज़्यादा लेते हैं। तो अगर हमारा सजेशन रहेगा कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कुछ पर्सनल बाइक या कार का जुगाड़ करके ही आइए, तभी आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा।